आज देश के चारों तरफ विघटनकारी शक्तियां हमारे देश को धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर तोड़ने की साजिशें रचती हैं। अतः मेरा सभी छात्र छात्राओं, युवा और देश के प्रत्येक नागरिक से मेरा निवेदन है कि ऐसे समय में देश के एकता अखंडता को और मजबूत बनाए रखने के लिए हमें अपने आपसी सद्भाव को बना के रखना है और देश के लिए समर्पित होने के लिए जो भी कार्य हम लोग कर सकते हैं उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरतनी है। यही एक उन क्रांतिकारियों को हमारी तरफ से एक सच्ची सेवा होगी, ताकि उनके द्वारा दिए गए देश को हम अखंड भारत के तौर पर बनाए रखे रहे और इसकी उन्नति के लिए हमेशा प्रगति के रास्ते पर खुद चलें और समाज को चलने का प्रयास करें। और हमारे छात्र छात्राएं, जो युवा पीढ़ी है, इनको आपस में प्रेम करना, जैसे कि अभी प्रधानाचार्य जी ने एक गीत राष्ट्रभक्ति का गीत गवा करके ये संदेश दिया कि हमें सबसे पहले आपसी भाईचारा और देश प्रेम को बना के रखना है। और युवा पीढ़ी के अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहां पर मौजूद जो भी छात्र और छात्रों का अभिभावक है तथा मौजूद जो भी अन्य महानुभाव है, वो देश के लिए समर्पणता भाव का जज्बा और इसी प्रकार से मनाते रहें। और खासकर इस प्रांगण में जो व्यवस्था यहाँ के प्रधानाचार्य जी ने और इसके अध्यक्ष महोदय बच्चों का इस प्रकार का कार्यक्रम करा के देश के मान सम्मान को तथा देश का जज्बा पैदा करने के लिए छात्रों के अंदर एक मनोभाव पैदा है। मैं चाहूंगा कि हर साल इसी तरीके से ये वर्षों वर्षों तक मिलता रहे और लोगों के अंदर देश के प्रति जो समर्पण का भाव है वो इस प्रकार से और बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।